हेलो इंडिया, इट्स मी रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। मुझे गर्व है कि मैं एक गोरखा हूँ। पिछले वीडियो में जब मैंने इंग्लिश में पिछला वीडियो जारी किया था तो उसके कमेंट में कुछ हिंदुस्तानी दोस्तों ने कहा था कि रमेश जी ने हमारे देश की इंडिया की बेइज्जती कर दी है। नहीं करना चाहता, कोई भी नेपाली इंडिया की बेइज्जती नहीं करना चाहता। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों के वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो बौद्धिक आतंकवादी अर्णब गोस्वामी और उसके फेलो पत्रकारों ने मेरी मातृभूमि की इतनी बेइज्जती कर दी कि मुझे उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब देना पड़ा। वैसे भी हम आपकी तरह गांधी के देशवासी तो है नहीं जो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। हम तो भक्ति थापा के देशवासी हैं जी। हमारे यहाँ तो जब माँ बहन का अपमान होता है, जो कोई माँ बहन की बेइज्जती पे उतर आता है तो उसका जवाब खुकरी से दिया जाता है। तो इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मेरा भी ये फर्ज था कि मैं अर्णब गोस्वामी जैसे बौद्धिक आतंकवादियों की उस बेइज्जती का, जो उन्होंने मेरी मातृभूमि का अपमान किया, उनका उन्हीं के लहजे में जवाब देता। आज मैं इंडो नेपाल रिलेशन सुधारने के लिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो पब्लिक लेवल रिलेशन है उसको सुधारने के लिए, जी न्यूज और आज तक के गद्दारों की तरह बिगाड़ने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, इंडो नेपाल पब्लिक लेवल रिलेशन को सुधारने के लिए और कॉमन नेपाली लोग, नेपाल के आम लोग जो सोच रहे हैं वो इंडिया के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज कुछ बातें रख रहा हूं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और इस पे रिएक्ट करेंगे। सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूसँग म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई राष्ट्रियताको पक्षमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। घरिघरि हिन्दीमा यो किन बोल्छ भन्ने पनि तपाईँलाई लागेको होला, तर नेपालमा धेरैलाई थाहा छ, नेपालमा काग सम्मेलन गर्ने चलन छ। काग सम्मेलन गर्दाखेरि कागले राई, लिम्बू, तामाङ, नेपाली अथवा संस्कृत भाषामा बोलाउँदा बुझ्दैन, कहाँ कहाँ नै गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो भाषाप्रतिको असीम प्रेमका बावजुद पनि म बाध्यताले हिन्दीमा बोल्न गइरहेको छु। आज मैं बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने जो पिछले स्पीच में कहा था वो हमारे देश के केबल ऑपरेटरों ने किया है। मैंने कहा था कि आज तक और जी न्यूज जैसे, रिपब्लिक टीवी जैसे इंडियन मीडिया को बैंड कर देना चाहिए, और आज हमारे केबल ऑपरेटरों ने इन्हें बैंड कर दिया है। अगर मेरा बस चलता ना, मेरा बस चले तो 100 सालों के लिए बैंड कर दूं इन कमबख्तों को। अरे हमने इनके पिता का कर्ज लिया है क्या? इनके बाप दादाओं का कोई कर्ज है क्या हमारे ऊपर, जो हम पैसे भी देते रहे और इनके मुंह से अपने मुल्क की बेइज्जती भी सुनते रहे? इस पित पत्रकारिता के जवाब में नेपाल सरकार ने नहीं, नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने, गलत फहमी मत रखिए, नेपाल के आम केबल ऑपरेटर्स ने इंडियन मीडिया को बैंड किया है, और ये इन्होंने बहुत सही किया है। ये बैंड रहना चाहिए। मैं इंडियन मीडिया के इशू पर, अभी जो मूल प्रसंग है मेरा आज, केपी ओली हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो प्रोपोगंडा इन्होंने किया है, ये केवल केपी ओली का प्रश्न नहीं है, किसी भी नेता का, शेर बहादुर देवबा, उपेंद्र यादव, मिनेंद्र रिजाल, राजेंद्र महतो, मेरे देश के किसी भी नेता का निंदा करने का हक किसी कमबख्त को इसलिए नहीं मिल सकता कि उसका मुल्क मेरे मुल्क से थोड़ा बड़ा है। इसलिए कोई मेरे देश के किसी भी नेता की निंदा नहीं कर सकता, और इस निंदा के जवाब में जो इंडियन चैनल्स पर नेपाल में बैंड लगा है वो काम बिल्कुल सही किया गया है। मैं उस प्रसंग पर बाद में आऊंगा, पहले मैं कुछ हवा जो मचा रखा है इंडियन मीडिया ने, कुछ ब्लडी प्रोपोगंडा, एंटी नेपाल कैंपियन जो चला रखा है, उसके कुछ प्रश्नों का जवाब देना उचित समझता हूं। आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, इंडिया की आवाम नहीं, इंडिया की मीडिया कहती है कि नेपाली चाइना के साथ हो गए हैं, नेपाली चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, चाइना के डायरेक्शन पे ये काला पानी का विवाद उठा रहे हैं। काला पानी का विवाद तब से है, और वैसे वो विवाद है नहीं कुछ, हमारे राजे महाराजाओं ने आपकी दोस्ती का वास्ता करके, आपकी दोस्ती का ख्याल करके 1961 में आपको वो जमीन दे दी थी ताकि चीन से आप अपनी रक्षा कर सके, लेकिन आप लोगों ने कोई दोस्ती नहीं निभाई और उस पर कब्जा कर लिया। खैर जो भी माने, विवाद तो है काला पानी के विषय में, तो उसमें हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं ऐसा आपकी मीडिया कहती है। अगर हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे होते ना मित्रों, तो इतिहास का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जब नेपाल में मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री की सरकार थी, तब हमने उत्तर की, हमारी जो चीन की सीमा है ना, उस चीन की सीमा में 18 जगहों पर हमने भारतीय सेना के पोस्ट रखने की इजाजत दे दी थी। आपके और हमारे सुमधुर संबंधों का ख्याल करके, दोस्ती का ख्याल करके, चीन के साथ जुड़ी हमारी सीमा में आपके 18 पोस्ट रखने की इजाजत हमारी सरकार ने दे दी थी, क्योंकि हम लोग आपके साथ थे। और अगर हम अब इस वक्त चीन के साथ होते ना, तो चीन तो आपको दबाने में लगा हुआ है,
लद्दाख में दबा रहा है, सिक्किम में पिट रहा है, गलवान में आपके 20 सैनिक मार दिए चीन ने, तो चीन आपको दबाने में जब अभी लगा हुआ है, घेरने में लगा हुआ है, अगर हम पूरी तरह से चीन के साथ में होते तो चीन की सेना को मेची किनारे लाके खड़ा कर दिया होता हमारी सरकार ने, आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की मेनलैंड को जोड़ता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मेची किनारे आज चीन की सेना बैठी होती, अगर हम नेपाली चीन का साथ दे रहे होते तो। नेपाल एक स्वाधीन राज है और हम चीन का ना इंडिया का, हम किसी का भी पक्ष में और किसी के भी विपक्ष में हम कोई कदम नहीं उठाते। हम अपनी स्वाधीनता सुरक्षित करने के लिए काला पानी पर दावा कर रहे हैं, जो हमारी जमीन है उसमें चीन का कोई रोल नहीं है। और चीन का रोल इसलिए है कि उसने, चीन ने आप लोगों के साथ ट्रेड ट्रीटी की है, व्यापार संधि की है उसने लिपुलेख को लेकर, लिपुलेख को व्यापारिक नाका बनाने की जो संधि चीन ने आपके साथ की है, हमने चीन को भी, सिर्फ आपको नहीं चीन को भी हमने डिप्लोमेटिक नोट भेजा है और हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने हमेशा इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है। कुछ मित्रों ने कहा था मेरे पिछले वीडियो पे कि इंडिया की बेइज्जती कर दी, नहीं, हम सम्मान करते हैं अपने पड़ोसियों का, जितना सम्मान आप हमारा नहीं करते। नहीं तो मैं जितनी अच्छी हिंदी आज बोल रहा हूँ बिना किसी हिंदी बैकग्राउंड के, कोई भी इंडियन जो नेपाली ओरिजिन का ना हो वो इतनी अच्छी नेपाली बोल के दिखाए। हम हमेशा अपने पड़ोसी का सम्मान करते हैं। चाइना के साथ आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, आप लोग पावरफुल हैं, आप दोनों देशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, तोपे हैं, मिसाइल हैं, आप चाइना के साथ लड़ो मरो, उसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं युद्ध की कामना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीन का और आपका जो विवाद है वो आप दोनों का अंदरूनी विवाद है, और हमारी सरकार ने लिपुलेख और काला पानी के विषय में चीन की सरकार को भी डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, तो ये कैसे साबित हो गया कि हम चीन के साथ है? ये क्या हवा मचा रखा है आपकी मीडिया ने? और एक और हवा मचा रखा है कि नेपाल और इंडिया में जंग हो गया तो क्या होगा? बड़ा अहंकार है भाई आप लोगों को अपनी शक्ति पे, बहुत बड़ा अभिमान है आप लोगों को, इतने छोटे से देश के साथ जंग की कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि नेपाल इंडिया की सैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा। आप तो बहुत धार्मिक कहते हैं ना आप लोग अपने आप को, अभी तो बीजेपी की सरकार है उधर, आरएसएस की सरकार चल रही है, बहुत धार्मिक कहते हैं आप लोग, तो बड़े गजब के धार्मिक लोग हैं भाई आप। आप लोग राम मंदिर के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और सीता के माइके पे हमला करेंगे? वैसे भी आप किसके दम पे ये दावा कर रहे हैं? हमारे भाइयों ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की जमीन के लिए, आप लोगों की स्वाभिमान के लिए लड़कर यहां गोली खाई है, माथे पे गोली खाई है। आपके जनरल श्याम माणिक शाह कहते थे कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, अगर कोई कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो हमारे गोरखा भाइयों ने आप लोगों के लिए गोली खाई है कारगिल की पहाड़ियों में, वरना पाकिस्तानी पंजाबी पठानों से हमारा क्या लफड़ा था? आप लोगों के लिए मरे हैं हमारे भाई, अभी मैं नाम गिनवाने जाऊं तो 1000 के करीब हो जाएंगे, और ये वीडियो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमारे भाइयों ने जो पुरुषार्थ आप लोगों के लिए किया है वो गिनवाने जाऊं तो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमने हमेशा दोस्ती निभाई है और आप लोगों ने अभी इस दोस्ती का लिहाज नहीं रखा है। और आप लोग नेपाल से युद्ध की बात करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए नेपाल से युद्ध की बात करते हुए। हमने हमेशा आपके साथ दोस्ती निभाई है। लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट आसिम भटकल और टुंडा जो नेपाल में छुपे हुए थे, वो हमारी अथॉरिटी की मदद से इंडियन अथॉरिटी के हवाले हुए हैं। अगर हमारी अथॉरिटी नेपाल में मदद नहीं करती तो थोड़ी पकड़ के इंडिया ले जाते उनको। डॉक्टर अमित कुमार रावत, आपके किडनी माफिया का किंग, जब यहां छुपा हुआ था तो हमने उससे पकड़कर आपके हवाले किया है। तो हमने हमेशा भारत का सम्मान किया है और भारत से दोस्ती निभाई है। लेकिन ये आप लोग हैं जो इस दोस्ती के खिलाफ जा रहे हैं, और स्पेशली इंडिया की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। इंडिया की आवाम, मैं समझता हूं कि हमारी ही तरह इनोसेंट है, जो आपस में समझदारी चाहती है। लेकिन आपकी मीडिया जो है, जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, इस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा इन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट से है। ये बौद्धिक आतंकवादी जो आपस में नफरत फैला रहे हैं, अपनी बौद्धिकता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग इंडियन आवाम को नेपाल के खिलाफ भड़का रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं। एक और बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं, आप लोगों ने बहुत ये हवा मचा रखा है। कुछ लोगों ने कहा था मेरे वीडियो के जवाब में, कुछ मित्रों ने भारत से कहा कि ये तो नेपाल ने जमीन छोड़ दी थी,
कई सालों पहले काला पानी छोड़ दी थी, तो उसमें अभी काय का विवाद, वो जमीन छोड़ दो ना, वो तो तुम लोगों ने कई साल पहले छोड़ दी थी, तो आप लोग छोड़ दो ना पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो आपने 1948 में छोड़ दी थी, आपके प्रधानमंत्री नेहरू ने तो युद्ध विराम कर दी थी, सीज़फ़ायर लाइन वहां पे खींच दी थी, तो वो अभी पाकिस्तान के पास है, तो आप लोग क्यों दावा कर रहे हो उस कश्मीर पे, छोड़ दो ना। बुरा लगा ना मेरे ये कहने से, बुरा लगा ना, ऐसा ही बुरा लगता है, ऐसा ही ठीक, ऐसा ही बुरा लगता है जब कोई अपने देश की स्वाधीनता के बारे में ऐसा कहता है। जमीन एक इंच भी क्यों ना हो, अपनी जमीन अपने को प्यारी होती है। और आप लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से एक मीडिया पर्सन ने यह भी कहा था, मैंने एक मीडिया आर्टिकल सुना था जहां वो सज्जन ये कह रहे थे कि अभी काला पानी हमारे पास है, नेपाल के पास नहीं है, तो आपके बाप दादाओं का जहां तक राज था, आपके बाप दादाओं ने जहां तक अपनी सीमा फैलाई थी, क्या वहां तक मांगोगे आप लोग? इस हिसाब से तो नेपाल सतलज तक था पश्चिम में, और पूरब में टिस्टा तक था। हाँ सही कहा, मांगने को तो हम वहां तक भी मांग सकते हैं, दावा हम वहां तक भी कर सकते हैं। ये मैं कोई अर्णब गोस्वामी की तरह हवा में नहीं चिल्ला रहा हूं, पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं मुझे, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करता हूं। 1950 में जब नेपाल भारत मैत्री संधि हुई थी, तो उस मैत्री संधि में यह कहा गया था कि सुगौली संधि खारिज हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार से हुई सारे समझौते खारिज हो चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर सुगौली संधि खारिज हो गई, तो टिस्टा से सतलज तक की जमीन तो हमारी हुई ना। अगर आप लोग सुगौली संधि मांगते हैं, तो सुगौली संधि के नक्शे में लिखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि काली नदी का ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा है, वो ब्रिटिश के नक्शों में लिखा है, कई नक्शों में लिखा है। और इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बीजेपी की सरकार है ना वहां, आरएसएस के कार्यकर्ता तो बस स्कंद पुराण उठा के देख लें, स्कंद पुराण के मानस खंड के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में महाकाली नदी का वर्णन किया गया है, और उसमें यह लिखा गया है कि लिपुलेख पर्वत से पश्चिम का भाग जो है लिम्पियाधुरा, वो काली नदी का ओरिजिन है। तो या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिपुलेख, या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिम्पियाधुरा काली नदी का ओरिजिन होगा, या तो आप सुगौली संधि को नहीं मानेंगे, अगर खारिज मानेंगे तो फिर टिस्टा से सतलज तक हमारा है। और अब मैं मूल प्रसंग पर आता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अभी प्रोपोगंडा चला रखा है आपकी मीडिया ने। अरे कौन कमबख्त गया भाई बालुआटार, जी न्यूज का कौन सा कमबख्त पत्रकार गया बालुआटार और उसने सुन लिया वो कन्वर्सेशन जो प्रधानमंत्री और चीन के राजदूत होयांकी के बीच में हुआ था? किसने सुना वो कन्वर्सेशन और किसने रिकॉर्ड किया? किस बेस पर ले आए ये पीत पत्रकार ये कन्वर्सेशन? अरे बेशर्मो कुछ तो शर्म करो, किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, और प्रधानमंत्री जो बुजुर्ग हैं, अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, फिर भी दम उनमें इतना है कि एक छोटे से देश में बैठ के दिल्ली हिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे निराधार बात, ऐसे निराधार प्रोपोगंडा किस बेस पर फैलाए गए, किस कमबख्त ने वहां पे सुना और किसने रिकॉर्ड किया? ये कुछ नहीं, बस जी न्यूज ने कहा और हो गया। तो ऐसे जो इंडियन मीडिया ने ये प्रोपोगंडा फैला रखा है, इन्होंने जो ये फेक न्यूज फैला रखे हैं, इसमें इंडियन मीडिया का ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का भी दोष है। अरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के यहां? आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लीगलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लोकतंत्र में कानून नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर भारत सरकार सच में नेपाल से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, सच में नेपाल से बिगड़े हुए संबंधों को सुमधुर करना चाहता है, तो भारत सरकार को यह चाहिए कि जी न्यूज को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करें, जी न्यूज और इससे जुड़े जितने भी मीडिया हैं उनके ऊपर भारत सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यह किया गया तो एक उदाहरण होगा और नेपाल के लोगों के मन में जो भारत के प्रति जो अविश्वास खटक रहा है, वो अविश्वास कुछ हद तक उसका समाधान निकल पाएगा। तो ये भारत सरकार को करना चाहिए, और इंडिया की आवाम, इंडिया की जनता जो नेपाल और भारत का संबंध सुमधुर हो, सुदृढ़ हो ऐसा चाहती है, उन्हें भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। ये इंडियन मीडिया है ना जो, ये पूरे साउथ एशिया के लिए कैंसर बन चुका है, ये ब्लडी प्रोपोगंडा यूनिट बन चुका है, इनको कोई सच नहीं चाहिए, सच का व्यापार करते हैं ये। और इससे केवल नेपाली पीड़ित नहीं है, सिर्फ हम ही पीड़ित नहीं हुए हैं इससे, इससे आपका भारत भी उतना ही पीड़ित हुआ है। ये लोग
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और क्वारंटाइन में पीड़ित भारतीयों की बात नहीं करेंगे। ये लोग एक पेपर में जो खाना खा रहे होते हैं, अखबार के कागज में खाना खा रहे होते हैं जो, उन पीड़ितों के बारे में बात नहीं करती है, उन गरीबों के मजदूरों के बारे में बात नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तबलीगी जमात की बात करेंगे, कम्युनल हारमोनी को बिगाड़ने के लिए और उसका व्यापार करने के लिए। ये मैं फैक्ट के आधार पे कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कोबरा पोस्ट ने, वो चाइनीज नहीं है कोई कोबरा पोस्ट, वो इंडियन मीडिया है, उसने एक रिसर्च किया था आज से 2 साल पहले, जहां पर आज तक जी न्यूज और ऐसे बहुत सारे इंडियन मीडिया के मैनेजर्स और उनके सोर्सेस से मिलकर उन्होंने ये कंफर्म किया था, उनके रिकॉर्डेड बयान थे कि वो लोग पैसे के लिए किसी के भी बारे में घटिया समाचार छाप सकते हैं, किसी के भी बारे में प्रोपोगंडा फैला सकते हैं चंद रुपयों के लिए। ये कोबरा पोस्ट का रिपोर्ट है। और हाल ही में आप ही की एक इंडियन मीडिया ने रिसर्च किया है, जिसमें यह पाया गया है कि बड़े बड़े इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल्स के मोर देन 90% 90% से ज्यादा उनकी खबरें जो होती है वो हिंदू मुसलमान के बेस पर होती है, वो राम मंदिर के बेस पर होती है, ऐसे ही विवादों के बेस पर होती है, विकास के मुद्दों की वो बात नहीं करते। खैर, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन नेपाल भारत का ये जो संबंध अभी इतना ज्यादा नफरत फैला है, इस नफरत के चलते इंडियन मीडिया को बैंड करने का ये डिसीजन, ये बहुत सही लिया गया है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संबंध है, ये रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता जो आप कहते हैं ना, आप लोग जो बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं, वैसे मैं बड़ा भाई मानता नहीं हूं इंडिया को, क्योंकि इंडिया से पहले हमारे देश की उत्पत्ति हुई है। और ये भी मैं फैक्ट के बेस पर कहता हूं, चाणक्य को आप लोग बहुत मानते हैं ना, कौटिल्य को, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, जब मौर्य साम्राज्य नहीं बना था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका वो अखंड भारत नहीं बनाया था, वो बनने से पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नेपाल देश का वर्णन किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अखंड भारत से पहले नेपाल का जन्म हुआ है। इसलिए मैं बड़ा भाई मानता नहीं इंडिया को, वैसे भी भाई तो हैं हम, तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। आप किसी के प्रति इतना नफरत फैलाएंगे तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। हमारा संबंध बहुत पुराना है, इतना पुराना जब मानव सभ्यता का ठीक से उदय भी नहीं हुआ था। हिमालय के हमारे किराती जाके हस्तिनापुर में लड़े हैं महाभारत की लड़ाई में, और राम जानकी का विवाह संगम, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इतिहास से वर्तमान तक हमारा एक सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारा व्यापारिक संबंध भी है, हमारा बायलेटरल रिलेशन भी है, दोनों तरफ के लोग। अरे आपके तरफ, आपके देश से तो कई लोग तो यहां भिक्षाटन के लिए भी आते हैं आपके देश में। तो वैसे मैंने सुना है धंधा भी चलता है, ये धंधा भी चलता है कि किसी के पैर काट दो, किसी के हाथ काट दो और उसे भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दो। ये मैंने आप ही के मीडिया से सुना है। तो वैसे लोग, हाथ पैर कटे हुए लोग सैकड़ों की संख्या में यहां आके भिक्षाटन भी करते हैं। तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के विषय को लेकर, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर ये जो प्रोपोगंडा फैलाया गया है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोपोगंडा अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसने भारत की बेइज्जती की है। इसे पत्रकारिता के इतिहास में, विश्व पत्रकारिता के इतिहास में इसे काले अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। वो आपका देश है, वो आपका देश है जहां सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स बदलने वाले चरित्रहीन व्यक्ति को सुपरस्टार का तमगा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां, कभी नेपाल घूमने आई है आप लोग? नेपाल में कोई भी लीगल रेड लाइट एरिया नहीं है। हम महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और हमारा नेपाली समाज काफी चरित्रवान है। तो ऐसे प्रोपोगंडा पर यकीन मत कीजिए। और मैं इंडियन पब्लिक से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे चैनलों का आप लोग बहिष्कार करें। हमारा जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, पब्लिक लेवल रिलेशनशिप है, ये हमेशा चलता रहे। इंडिया और नेपाल दोनों देशों की प्रगति हो, यही मैं अंत में कामना करता हूं। और ये नफरत की दीवार जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और हमारे दिल में जो जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, इस जहर से बचें, मैं ये सबसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय नेपाल। भगवान रमेश जी, अलिकति हामीले के प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यो लाइभलाई काटेर आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले शेयर गर्न मन लाग्यो भने अझ गजब पनि हो। शेयर गर्नु एक किसिमको राम्रो तपाईको बानी पनि हो, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र तपाईले हामीलाई यति बेला फेसबुक पेजमा, फेसबुक, मेरो फेसबुकबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, जीवन विष्टको फेसबुकबाट भनेदेखि तपाईँले हामीलाई एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक लाइभलाई तपाईँले जुनसुकै पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको भिडियो राख्नु भएमा चाहिँ हामी उचित किसिमको
त्यहाँ व्यवस्था भए अनुरूपको कार्य गर्न बाध्य हुनेछौँ। रमेशजी, के छ आज अन्य समयमा भन्दा अलिकति आवाजमा नम्रता विनम्रता देखियो नि? यो जरुरी छ जीवनजी, किनभने यो सम्बन्ध बिगार्नको लागि होइन, अघि नै मैले भने यो घृणा फैलाउनको लागि बोलिएको होइन। म धेरै कुरा बोल्न सक्थेँ इन्डियनहरूप्रति, भारतीयहरूप्रति लक्षित गरेर, अर्णव गोस्वामीले बोले जस्तै, श्वेता सिंहले बोले जस्तै बोल्न सक्थेँ, तर यो घृणा फैलाउनको लागि लक्षित होइन, यो मित्रतालाई, यो सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि लक्षित हो। हामी एउटा पत्रकारिताको सिकारु विद्यार्थी भएको नाताले पनि विश्वका चाहिँ पत्रकारिताका विभिन्न दर्शन तथा सिद्धान्तहरू र पत्रकारिताका एउटा जुन परिधि नम्स हुन्छ यसलाई हामीले बुझेका छौँ मिडियाले, होइन, एउटा मिडियाको नम्सहरू बुझेका छौँ। तर भारतमा जुन एक किसिमको यो नाङ्गो चरित्र देखियो, यसलाई विश्वले कसरी बुझेको छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि पनि भने यो विश्वको पत्रकारिताको इतिहासमा यो घटना कालो अक्षरले लेखिनुपर्छ र इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो पित पत्रकारिता हो, तर भारतकै बौद्धिक जगतले पनि भारतको यो पत्रकारितालाई त गोदी मिडिया, यानि कि सत्ता र शक्तिको पावर वरिपरि घुम्ने एउटा चाहिँ पत्रकारिताको रूपमा बुझ्छ नि। पक्कै पनि, र यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने भारतीय मिडियामा कहिल्यै पनि सत्ताको विरोध गरिँदैन अधिकांश मिडियाहरूमा, र भारतीय मिडियाले समाजमा चाहिँ हार्मोनी बिगार्ने खालको, साम्प्रदायिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका खबरहरू बारम्बार प्रसारण गरिरहन्छन्, यी गोदी मिडिया नै हुन्। र यति बेला चाहिँ हाम्रो मधेसी, पहाडी, हिमाली भन्ने त्यो भावना छैन, यति बेला हाम्रो राष्ट्रिय एकता साँच्चीकै देखिएको छ, होइन, यसमा हामी असाध्यै खुसी हुनुपर्छ। र जति पनि अन्य नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यो हिन्दीको जुन हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नु परेको सन्दर्भमा त तपाईँले आफ्नो धारणा राखि नै सक्नु भएको छ, होइन, नेपालको प्रेस काउन्सिल र मिडिया जगतले चाहिँ यसमा कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्थ्यो, र स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू केही थियो कि? नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्तै एउटा नोट पठाउनु पर्थ्यो, प्रेस नोट, डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्थ्यो भारत सरकारलाई, किनकि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री त निकै अलिकति बौद्धिक किसिमको हुनुहुन्छ, होइन, प्रधानमन्त्रीको मानहानि हो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सोचिरहेको होला, यो विषयमा सोचिरहेको होला, आशा गरौँ। प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ? उसले एउटा चाहिँ लेटर पनि लेखेको भनिन्छ, प्रेस काउन्सिलले वक्तव्य जारी गरेको छ, र धेरै पहिला पनि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई यस विषयमा पत्राचार गरेको बुझिन्छ। हामी आम नागरिकको भूमिका के अब यो विषयमा? हामी आम नागरिकले यसरी नै एकअर्कालाई सामाजिक सञ्जालमा, जहाँ हामी जोडिन्छौँ हाम्रा भारतका मित्रहरूसँग, जहाँ हामी जोडिन्छौँ, हामीले आफ्नो देशको, आफ्नो दृष्टिकोण के हो, हाम्रो देशको आम नागरिकले के सोच्छ, त्यो दृष्टिकोण पुर्याउनमा हामीले आफ्नो भूमिका खेल्न जरुरी छ। बोलेर के हुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ नि, बोलेर नै तपाईँको विचार विनिमय गर्न सकिन्छ, किनकि नागरिक दबाब सबैभन्दा ठुलो दबाब हो, होइन, बोलेर नै तपाईँको धारणाहरूसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ, अर्को कुनै माध्यम छैन। सामाजिक सञ्जालमा, होइन, त लगायतका अन्य चाहिँ तपाईँका अन्य किसिमका सर्वनामहरूको प्रयोग गरेर उच्चिङ्गल टाइपले चाहिँ भारतलाई गाली गर्नु, त्यो त्यति चाहिँ सुयुक्ति हुँदैन, त्यो अति सुयुक्ति हुन जान्छ। हामीले डिप्लोमेटिक तवरले नै ऐतिहासिकताको आधारमा, हामीले तथ्यको आधारमा आफ्ना विचारहरू बडो नम्र भाषामा राख्नुपर्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि, यद्यपि भारतका चाहिँ अन्य जनहरूप्रति हाम्रो एक किसिमको सम्मानै छ, अहिले जुन चरित्र देखिएको छ त्यहाँको सरकारबाट, त्यहाँको राजनीतिज्ञहरूबाट, त्यहाँको मिडियाबाट, यो चाहिँ खेदजनक छ। हजुर, एक्सन नेपाल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नियमित कार्यक्रम आउनेछ, तपाईँ सेयर गर्न नडराउनु होला, किनकि राम्रो कुरा सेयर गर्दा पैसा लाग्ने छैन, यो निशुल्क सेयर गर्न सकिन्छ, लाइक गर्न सकिन्छ, कमेन्ट गर्न सकिन्छ आफ्ना विचारहरू, किनकि हामी जति कमेन्ट सायद पढ्नेहरू कोही पनि छैन होला, हामी दिनैभरि कमेन्ट पढ्ने काम नै गर्छौँ, हाम्रा भिडियोहरू जुन जुन ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्। हामी भन्छौँ र असाध्यै आज जङ्गलको यो भागमा आएर हामीले लाइभ गरिरहेका छौँ, यो धरानको पानमारा जाने जङ्गल हो, यो साँझको समय छ, पानी पनि पर्न लागेको छ, केही देखिँदैन, मात्र यो मोबाइलले खिचेको छौँ। यति भन्दै हाम्रा सम्पूर्ण